हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फोर टाइप के डीआईवाईज बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डिज़ाइनर रबड़ बैंड बनाया है। तो सबसे पहले हम एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक ले लेंगे और इसे ऐसे एक हमने चौड़ा पीस लिया है कट करके, एक पतला। तो अब हम इन दोनों को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे दोनों में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। पतली स्ट्रिप को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक को हम कट करेंगे, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो हमने स्ट्रिप रेडी की है उसमें इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से फिल कर देंगे। इलास्टिक को यहाँ पे फिल कर लिया है। अब दोनों इलास्टिक को एक के ऊपर अटैच करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारे फैब्रिक है ना, इसको भी एक के ऊपर चढ़ाते हुए इसको भी हम लॉक कर देंगे। यहाँ हमारा रबड़ बैंड रेडी हो गया है। अब हम अपनी चौड़ी वाली पीस लेंगे, इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। इसे मैंने दोनों साइड से थोड़े तिरछे में कट कर दिया है और बीच में इसके बीच सेंटर पे मैंने होल कर लिया है जिससे ये आसानी से फोल्ड हो सके। ऐसे ही हम दोनों साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। हमने इसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए मैंने दोनों एंड पे इसके तिरछे में कटिंग कर दिया है। अब हम इसको ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमें ऐसे फोल्ड करना है दोनों साइड से, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए। और फिर हमें इसे इसका बीच सेंटर लेना है, उस पर हम सिलाई की हेल्प से इसको टक कर देंगे टाइटली। हाँ, हमारा बो का शेप रेडी हो गया। अब हम अपने रबर बैंड में इसको फिक्स कर देंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से हमारा रबर बैंड रेडी हो गया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम दूसरा डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। फिर डीआईवाई में मैंने हेयर क्लिप रेडी की है, जो हमारी सिंपल सी टिप टॉप की क्लिप आती है ना, उसका यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। नेट फैब्रिक को हम ऐसे तीन टुकड़े में कट कर लेंगे, एक छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। ऐसे ही हम तीन पीस कट कर लेंगे। अब हम इसमें से एक स्ट्रिप लेंगे, दोनों साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसका बीच सेंटर ले लेंगे। बीच सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हम सिलाई को खींचते हुए इसे बो का शेप देंगे। एंड इन सभी का वीडियो मैंने शॉर्ट में भी अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारा बो यहाँ पे रेडी हो गया है। ऐसे ही हमारे जो बचे हुए दो पीस है उसका भी हम रेडी कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे दोनों बो रेडी हो गए हैं। अब हम इन तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे। सबसे पहले हम छोटा लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तीनों को एक साथ सिलाई की हेल्प से फिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे सेम नेट का फैब्रिक लेंगे, एक पतली स्ट्रिप ले लेंगे और इसे वी आकार में कट कर लेंगे इसके दोनों साइड पे। हमने यहाँ पे दो पीस लिया है, एक छोटा एक बड़ा। दोनों को हम बो के निचले साइड में फिक्स करेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर से हम एक फैब्रिक लेंगे, इसे हम बीच सेंटर में ऐसे टक करेंगे। और अब हम यहाँ पे अपनी हेयर क्लिप लेंगे और इसे सुई और धागे से इसमें फिक्स कर देंगे। और इसे ग्लू से भी हम फिक्स करेंगे जिससे ये लंबे टाइम तक यूज़ हो सके। अच्छे से इसको स्टिक कर देंगे। ये मुझे थोड़ा सिंपल लग रही है, तो हम इसमें कुछ मोतियों से इसमें डेकोरेशन करेंगे जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगने लगे। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कट बीट्स का यूज़ किया है। इसे हम ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ऐसे ही हम अपना दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। आइए अब हम अपना तीसरा डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। इस डीआईवाई में हमने डबल लेयर बो हेयर रबर बैंड रेडी किया है। सबसे पहले यहाँ हम फैब्रिक ले लेंगे।
प्लेन फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक दोनों की ज़रूरत होगी हमें। तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिप कट की है, एक पतली एक थोड़ी चौड़ी, और दो चौकोर पीस हमने यहाँ पे रेडी किए हैं, एक एम्ब्रॉयडरी का है हमारा, एक प्लेन फैब्रिक है। तो हम इसे ऐसे सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए हमें सभी में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है, सभी में हम सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी में सिलाई लगा ली है, दो हमारी स्ट्रिप है और दो हमारे चौकोर पीस हैं। तो सबसे पहले हम रबर बैंड रेडी करेंगे। एक स्ट्रिप में मैंने इलास्टिक को फिल करके इसे अच्छे से लॉक कर दिया सुई धागे से, रबर बैंड रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे बो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो दो प्लेन फैब्रिक लिए थे उसका ऐसे बॉक्स रेडी कर लिया है, और एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक ऊपर रहेगा, प्लेन फैब्रिक नीचे करते हुए हम इसमें बीच सेंटर में सिलाई लगाएंगे और इसे बो का शेप देकर इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। और अब हम यहाँ पे सेम प्लेन फैब्रिक लेंगे और इसे बीच सेंटर में फिक्स करते हुए इसके साथ हमने जो रबर बैंड रेडी किया है और जो पतली स्ट्रिप रेडी की है उसे भी फिक्स कर देंगे। इस पतली स्ट्रिप को मैंने साइड साइड में थोड़े से तिरछे में कट किया है, ये देखिए ऐसे ही हम अपना रबर बैंड भी इसमें फिक्स करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे जो बीच सेंटर है इसका, इसमें हम मोतियाँ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। आइए अब हम चौथा DIY स्टार्ट कर लेते हैं। DIY को मैंने वैलेंटाइन डे स्पेशल बनाया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूलिंग पेपर का यूज़ करेंगे। इसको हम नीडल की हेल्प से एक स्ट्रिप लेंगे, नीडल की हेल्प से हम इसे रोल करते जाएंगे, हमें टाइटली रोल करना है। रोल करने के बाद हम इसे थोड़ा ढीला छोड़ देंगे, ये देखिए ऐसे करने के बाद अब हम इसमें ग्लू लगा के इसको स्टिक करेंगे, और जैसे हमारी पत्तियाँ होती है ना वैसे एक साइड से इसका शेप दे देंगे। ऐसे ही हम फोर पीस रेडी करेंगे, और अब हम दो दो पीस को एक साथ ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमें दूसरे वाले को भी स्टिक कर लेना है। तो यहाँ हमारा हार्ट का शेप बन गया है। अब इन दोनों को हम एक साथ फिक्स कर देंगे ग्लू की हेल्प से। इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अब हमने जो पहले स्ट्रिप ली थी उसी की हाफ स्ट्रिप लेंगे और इसे निडल की हेल्प से टाइटली रोल करेंगे और ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर देंगे। और अब हम इस रोल में जंप रिंग अटैच करेंगे और जंप रिंग में हम इयररिंग हुक भी अटैच कर देंगे, और इनको जो हमने अपने हार रेडी किए हैं ना उसमें स्टिक कर देंगे ऊपर की साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इयररिंग रेडी हो गई है। फ्रेंड्स आज की इस DIY में सबसे अच्छा DIY आपको कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।